alaikum, dear 6th class students. I hope you are all fine at home or enjoying, of course, your free time and games and sports. Lekin iske saath saath padhai bhi karte rahe aur apne sehat ka bhi khayal rakhiye taaki acha padhe. So, aaj aapka letter hai beta, letter to your father asking for some money. तो आज का जो खत है वो पैसे मंगवाने के लिए है वाले साहब से. एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप लगाते हैं कॉमा, फिर आप सिटी ए बी सी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे लेकिन डॉट्स के साथ, नॉट कॉमास के साथ. और अप्रैल 8 अप्रैल लिखने के बाद, यानी महीना और तारीख डालने के बाद कॉमा होगा और फिर 2019 कोई ईयर जो भी होगा वो आप लिखेंगे और फुल स्टॉप कर देंगे. डियर फादर जिसको मुखातिब करना होता है, फिर हम वो लिखते हैं और फिर कॉमा आ जाता है और छोटा सा एक गैप आ जाता है एक वर्ड का, उसके बाद आप पैराग्राफ शुरू कर दें. द न्यू मंथ हैज़ बिगिन, नया महीना शुरू हो चुका है और आई हैव टू पे द ट्यूशन फी, मुझे ट्यूशन फी पे करना है, अदा करना है. एज आई हैव बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मुझे अगली जमात में वो प्रमोट कर दिया गया है, यानी पास करके आगे भेज दिया गया है. आई हैव टू बाय न्यू बुक्स, अब मुझे नई किताबें खरीदना है. आई ऑल्सो हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन गेम्स, और कुछ खेल वगैरह के लिए भी मुझे पैसे चाहिए हैं. विंटर इज अप्रोचिंग, विंटर मौसम सर्मा जो है, यानी सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है, अप्रोचिंग. आई हैव टू बाय अ स्वेटर एंड अ वार्म कोट, लिहाजा मुझे एक स्वेटर और गर्म कोट खरीदना है. फॉर ऑल दीज एक्सपेंसेस, इन तमाम अखराजात के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, आई नीड एट लीस्ट रुपीज 5,000, लिहाजा मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है फॉर दिस मंथ, इस महीने. काइंडली सेंड दिस अमाउंट बाई मनी, मनी ऑर्डर, लिहाजा मुझे मनी ऑर्डर के जरिए ये पैसे भेज दीजिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके. विद रिस्पेक्ट फॉर यू एंड डियर मदर, माँ और आपके लिए बहुत एहतराम, अदब, आदाब. योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी, जो भी लिखेगा उसके हिसाब से होगा. योर्स अफेक्शनेटली क्या मतलब, प्यारा या प्यारी. एक्स वाई जेड इसके साथ आप कैपिटल लेटर्स हैं ये, और डॉट्स के साथ ये वाइंड अप कर देंगे लेटर आप. सो बेटा इस तरह ये याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि वीडियो के साथ साथ आपका काम होता रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है और फिर डिले, पेंडिंग पे पेंडिंग काम जब होता है, यानी डिले से डिले होता चला जाता है और फिर बर्डन बन जाता है, तो इसको साथ साथ करते जाइए. थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड.